आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। दुनिया का एकमात्र ऐसा किला जहाँ तोप से दुश्मनों पर दागे गए थे बारूद के गोले नहीं बल्कि चांदी के गोले। प्राचीन समय में राजा अपने राज्य या किले के रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो सोने चांदी हीरे जवाहरात की कीमत भी नहीं समझते थे। आज मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक किले के बारे में बताने वाला हूँ जो इतिहास में अमर है, क्योंकि वहाँ जो घटना घटी थी वो ना तो दुनिया में कहीं और घटी है और ना ही कभी घटेगी। इस घटना के वजह से ही इस किले का नाम विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसे चुरू फोर्ट यानी चुरू किले के नाम से जाना जाता है। ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। साल 1694 में ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। इसके पीछे मकसद आत्मरक्षा के साथ साथ राज्य के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना था। ये किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। ये इतिहास की बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना थी जो साल 1814 में घटी थी। उस समय इस किले पर ठाकुर कुशाल सिंह के वंशज ठाकुर शिवजी सिंह का राज था। इतिहासकारों के मुताबिक ठाकुर शिवजी सिंह की सेना में 200 पैदल और 200 घुड़सवार सैनिक थे, लेकिन युद्ध के समय सेना की संख्या अचानक से बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग अपने राजा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए वो एक सैनिक की तरह दुश्मनों से लड़ते थे। सिर्फ यही नहीं, वो अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए अपनी धन दौलत तक लुटा देते थे। साल 1814 में अगस्त का महीना था। बीकानेर रियासत के राजा सूरत सिंह ने अपनी सेना के साथ चुरू किले पर हमला बोल दिया। इधर ठाकुर शिवजी सिंह ने भी अपने सेना के साथ उनका डट कर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका गोला बारूद खत्म हो गए। अब राजा चिंतित हो गए, लेकिन उनकी प्रजा ने उनका भरपूर साथ दिया और राज्य की रक्षा के लिए अपने सोने चांदी सब राजा पर निछावर कर दिया। जिसके बाद ठाकुर शिवजी सिंह अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दुश्मनों पर तोप से चांदी के गोले दागे जाए। इसका असर ये हुआ कि दुश्मन सेना ने हार मान ली और वहाँ से भाग गए। ये घटना चुरू के इतिहास में आज भी अमर है। अगर आप भी मेरे साथ जिंदगी भर जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।